हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 27th ऑफ सितंबर से लेके 3rd ऑफ अक्टूबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर सजिटेरियस। Starlight, Ten of Bones, Seeker of Spells, Council of Animals, and Three of Visions. Okay. So, Seeker of Spells के होने का मतलब है इस person को ऐसा लग रहा है life में पहली बार कि वो वहां पे हैं जहां उन्हें होना चाहिए। इससे पहले हमेशा इस person को यही लगता रहा कि या तो उन्हें वो चीज़ मिली जिसे वो डिज़र्व नहीं करते थे, लाइक इन द नेगेटिव सेंस, जो भी ये डिज़र्व करते थे उससे कम ही मिला, या फिर बहुत ज़्यादा ही मिला, जैसे आउट ऑफ रीच ही कोई चीज़ हो। आई थिंक ये बात कर रहा है कंपैटिबिलिटी ना होने के बारे में। एंड कभी इस पर्सन को एक बैलेंस नहीं मिला। मे बी अगर ये कोई मैच्योर और सीरियस पर्सन चाहते थे तो कोई बहुत ज़्यादा ही सीरियस और मैच्योर मिल गया। अगर ये कोई इंटरेस्टिंग पर्सन चाहते थे जो कि फ्लर्टेशियस हो, जो कि बहुत ज़्यादा प्लेफुल हो, तब उन्हें कोई ऐसा मिल गया जो बिल्कुल ही सीरियस नहीं था और बिल्कुल भी मैच्योर नहीं था। ये बैलेंस नहीं ढूंढ पा रहे थे और हमेशा इन्हें ऐसा ही लग रहा था कि ये जहाँ भी होते हैं गलत जगह पे ही होते हैं, गलत टाइम पे ही होते हैं। और अब जब आप मिले हैं तो इन्हें फाइनली लगता है कि ये अंधेरे से बाहर आ गए हैं, इस अंधेरे से गुजरने का कोई मतलब निकला। अगर आप इस वोमेन को देखें तो वो काफ़ी दूर की जर्नी तय करके आई है, ओके, इस अंधेरे जंगल में से जहाँ की कोई होप नहीं थी, जहाँ की बहुत सारा रिस्क था। उसके पास अगर कुछ था तो ये बस छोटी सी फायर, थोड़ा सा पैशन, थोड़ी सी होप जो उसे रास्ता दिखा रहे थे। और जैसा लगता है जब इस पर्सन ने ऑलमोस्ट उम्मीद छोड़ी दी थी कि इन्हें कोई ऐसा लवर मिलेगा जैसा इन्हें चाहिए, ठीक तभी आप उनके सामने आ गए, तभी उन्हें ये गिफ्ट मिला। और अब इस पर्सन को धीरे धीरे यूनिवर्स पे यकीन होने लगा है। ये एक ऐसा पर्सन है जिसे शायद डेस्टिनी पे यकीन नहीं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं है ये और पॉजिटिव नहीं रह पाते अक्सर, बट अब इनका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि इन्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिल गया है और इस सरप्राइज को वो खोना नहीं चाहते, ओके। ऑल्सो थ्री ऑफ विजन्स का कार्ड है, सो थ्री ऑफ विजन्स के साथ बहुत कुछ चेंज हो चुका है, ओके। आई थिंक ये पर्सन अब इतना ज़्यादा खुश है इस रिलेशनशिप को पाके या आपको पाके कि वो अपने फ्रेंड्स को भी इस बारे में बता रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बता रहे हैं कि वो कितने लकी हैं कि आपके जैसा पर्सन उन्हें मिला। वो दूसरे लोगों को बता रहे हैं कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में और उनके क्या प्लान्स हैं। और द काउंसिल ऑफ एनिमल्स के साथ उन्हें लग रहा है कि ये बहुत प्राउड की बात है, आपका लवर होना, आपका उनके पास होना, आपका उन पर ट्रस्ट करना, ये बहुत बड़ी बात है। सो ये पर्सन ये सबको बता रहा है। एंड यस, इन्हें दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि हाँ, उन्हें एक वाकई में अच्छे पर्सन का साथ मिल गया है। सो आई थिंक यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो इसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो जालस हैं, बट आपके पर्सन को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका पर्सन खुश है और आपको लेके काफ़ी प्राउड महसूस भी करता है। टेन ऑफ बोन्स के साथ इनके दिमाग में कमिटमेंट है, इनके दिमाग में वो फ्यूचर है जो you know, इन्होंने हमेशा से इमेजिन किया था और इन्हें लगता है कि अब वो सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि आपके मिलने से पहले ये पर्सन उस सपने पर ऑलमोस्ट गिव अप ही करने वाला था। उन्हें नहीं लग रहा था कि कभी उनके ड्रीम पूरे होंगे। इनफैक्ट स्टार लाइट के साथ ये पर्सन एक जगह पे बैठे बैठे इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि समझ ही नहीं पा रहा था कि आगे क्या होगा, ओके, जैसे कि उनका अंधेरा एंड ही नहीं होगा और सुबह कभी आएगी ही नहीं। बट अब इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि अगर वो थोड़ा सा और पेशेंस रखे तो चीज़ें चेंज होंगी। एंड अब लगता है कि ये पर्सन इस जर्नी को एंजॉय करना चाहते हैं, अपनी लव लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। उन्होंने वैसे भी लाइफ में ज़्यादा मोमेंट एंजॉय नहीं किया है,
सिर्फ काम काम और काम पे ही फोकस रहे हो सकते हैं। हो सकता है कि इन्होंने इतना फोकस किया अपने वर्क प्लेस पे या अपने लाइफ के दूसरे डायमेंशंस पे और पहलुओं पे कि कभी उन्हें ठीक से अपने लव लाइफ पे ध्यान देने का मौका ही नहीं मिला। सो अब ये फोकस्ड रहना चाहते हैं अपनी लव लाइफ पे और इसलिए ये पर्सन आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहेगा। अब देखेंगे कि वो आपको कई बार कॉल कर रहे हैं या आपसे मिलना चाहते हैं, आपको बहुत सारे टेक्स्ट मैसेजेस भेज रहे हैं। सो ये पर्सन जैसे लगता है अपने सारे मोमेंट्स जीना चाहता है क्योंकि इन्हें पता चल रहा है कि इन्होंने कितना टाइम गंवा दिया है और जो कुछ भी इन्होंने इन्जॉय नहीं किया पास्ट में, जो भी सपने इनके अधूरे रह गए, अब वो सारे सपने आपके साथ पूरा करना चाहते हैं। सो ऐसे लग रहा है कि इस पर्सन का सारा प्यार जैसे इकट्ठा था अभी तक किसी के इंतज़ार में और अब जब आप आ गए हैं तो ये पर्सन आपको वो सारा प्यार ऑफर करना चाहता है। सो प्रिपेयर्ड रहिए पैम्पर होने के लिए। मे बी ये पर्सन आपको कुछ गिफ्ट्स ला के दें, आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने वाले हैं, बहुत सारी रोमांटिक और इमोशनल बातें होने वाली हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीक गुजरेगा आपका। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेसोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए सजिटेरियस। टू ऑफ विजन्स, टेन ऑफ स्पेल्स, सिक्स ऑफ चैलेंजेस, थ्री ऑफ चैलेंजेस एंड द इंचेंटर। ओके, सो टेन ऑफ स्पेल्स के कारण ये पर्सन आजकल एक अलग ही दुनिया में रहता है। लगता है कि इनके फैंटेसी वर्ल्ड में ऑलरेडी सब कुछ पॉसिबल हो चुका है, बट अभी इन्हें खुद पे कुछ वर्क करना है क्योंकि टू ऑफ विजन्स के साथ अभी भी इनका पास्ट का एक्सपीरियंस इनका पीछा कर रहा है। आप मिल गए हैं, सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, ये आगे भी बढ़ना चाहते हैं, बट पास्ट की जो बातें हैं वो अभी भी ये भूल नहीं पा रहे, अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से उबरना चाहते हैं और इनका माइंड और हर्ट बिल्कुल दो डिफरेंट डायरेक्शन में काम कर रहा है इस वक्त। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे इन्हें वर्क करना है और क्लियर करना है क्योस। तो सिक्स ऑफ चैलेंजेस अगेन हीलिंग वाले पार्ट को दर्शाता है। उन्हें लगता है कि खुद को पहले उन्हें प्रिपेयर करना होगा इससे पहले कि वो आपको कोई भी लव ऑफर करें, बिकॉज वो चाहते हैं कि वो जो भी आपको ऑफर करे वो पूरा हो, 100% हो, ना कि एक ऐसे लवर का प्यार हो जो कि पूरी तरीके से हील्ड नहीं है। सो थ्री ऑफ चैलेंजेस के साथ मे बी पास्ट में कुछ ऐसे मोमेंट्स रहे हैं जहाँ पे इन्हें किसी ने जज किया, किसी ने बुरा भला कहा और आपका पर्सन इन बातों को दिल से लगाए हुए था। ये चीज़ें बहुत पेनफुल थी और अब आपका पर्सन चाहता है कि वो उन बातों को भूल के आगे बढ़े। ओके, उस फ्रस्ट्रेशन को कैरी ना करें। ऑल्सो इस पर्सन की कुछ इनसिक्योरिटीज़ भी हैं, इन्हें अभी भी डाउट हो रहा है कि ओके, दिखने में तो सब कुछ मैजिक जैसा है, दिखने में तो सब कुछ परफेक्ट है, सजिटेरियस वही लवर है जो उन्हें चाहिए थे, बट क्या ये रिलेशनशिप वर्क करेगा? क्या आगे बढ़ के भी सजिटेरियस उनके साथ रहेंगे? लाइक लाइफ लॉन्ग क्या ये रिलेशनशिप चलेगा? ये सारे क्वेश्चन हैं इनके। वो आपके वजह से नहीं है, आपने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से वो ऐसा सोचें, ये उनके पास के एक्सपीरियंसेस हैं और वो अच्छे तरीके से यह बात जानते हैं। सो उन्हें लगता है कि पहले उन्हें अपने आप को हील करना पड़ेगा, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट बनाना होगा, उसके बाद ही वो आगे बढ़ सकते हैं। सो द एन्चेंटर के साथ ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहा है जैसे कि कोई मैजिक है ये जिसमें वो खींचे चले जा रहे हैं, खुद को रोक नहीं सकते और रुकना भी नहीं चाहते। हालांकि इनसिक्योरिटीज इनकी थोड़ा इन्हें परेशान कर रही है, बट जल्दी ही ये पर्सन उस फेज से बाहर आ जाएगा और प्रिपेयर कर लेगा खुद को आपका लव पाने के लिए और आपको लव ऑफर करने के लिए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। थंडरस्टॉर्म। तो इस पर्सन के अंदर बहुत सारी फीलिंग्स हैं, जैसे कि कोई थंडरस्टॉर्म हो, इसे रोकना आसान नहीं है बट ये कोशिश कर रहे हैं। बट एनीवेज ये जो कुछ भी है
जल्दी ही इनके मन के अंदर से बाहर आएगा और इन्हें आपके साथ आगे बढ़ने में मदद करेगा। अभी जो चैलेंजेस आप देख रहे हैं वो टेम्प्रोरी हैं और जल्दी ही ओवर हो जाएंगे और फिर अपने रिलेशनशिप को आप पूरे तरीके से इंजॉय कर पाएंगे। तो ये है रीडिंग इस वीक की, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।